कर रही हूँ, ये सारा की सारा खराब हो चुका है। जाने दो पीछे करना पड़ेगा। तो ये काफी हैवी है यार, YouTube से देख देख के इसको ना बंद करना पड़ेगा। तो कुछ मूड बन रहा है कि कैट को किसी को दे देते हैं, कि नहीं यार कैट के लिए कुछ सेपरेट करते हैं। सो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हिदायत को ना काफी ज्यादा बुरी हालत है। गाड़ी पीछे से काफी ज्यादा टच हुई थी, अब मुझे चेक करना है कि भाई गाड़ी को नुकसान तो नहीं हुआ कोई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आई होप सो कि आप सब ठीक हो। तो वेलकम मेरे न्यू वीडियो पे, आप सबका मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। सो फिलहाल अभी गाड़ी मेरी कोर्सा करके रखी हुई है। दिक्कत क्या है कि अपने एक भाई की ना गाड़ी खराब हो चुकी है, अब वो कल वहीं पे लगी हुई थी। सो वो कह रहे थे कि भाई मुझे कोई जेसीबी का नंबर दे दे, कुछ किसी का नंबर दे दो जो मैं इसको ना कहीं पे पहुंचा पाऊँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी थार से इसको टो करके कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। फिलहाल जहाँ पे उन्हें जाना है वो छोड़नी वहाँ पे, देन उसके बाद फिर आके मैंने सोचा कि 8 बजे उठूंगा और 8 बजे उनकी गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा, बट टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 9:35 हो चुके हैं। सो वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, अगर ज्यादा लेट किया तो फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। और पता है कि विंटर्स में ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है। सो मुझे काफी डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी कुछ ना कुछ हो जाए। सो अपनी गाड़ी को टेंशन नहीं, किसी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। सो निकलते हैं, फिलहाल देखते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है, किस तरह टो करनी, कैसे नहीं करनी, वो आपको विद इन सेकंड पता चल ही जाएगा। सो निकल मिलते हैं आप सीधा गाड़ी के पास। सो फिलहाल गाड़ी के पास तो हम पहुंच चुके हैं, बट इसमें एक दिक्कत क्या हो चुकी है, इसमें ना जिसे टो करना है ना वो नहीं है यहाँ पे, कर रहे यहाँ से निकल चुका है। तो फिलहाल हमारे पास वहाँ से हो जाएगा टो, बट इससे टो नहीं हो पाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करके ना ये लगाना पड़ेगा। सो लसी यहाँ को जुगाड़ करते हैं, देन उसके बाद फिर गाड़ी को ले चलते हैं। मैं आज काफी ज्यादा ट्रैफिक है, देखो क्या होता क्या नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको मेरी गाड़ी के अंदर मिलेगी जरूर, क्योंकि भाई नीड पड़ती है इनकी। तो फिलहाल हमने जुगाड़ तो किया हुआ है, रस्सी वगैरह तो नहीं मिली हमने ना, इसको डबल करके ना अंदर से डाल दिया है। सो फिलहाल अपना टो भी वहाँ पे लग चुका है, अब देखो कि होप सो कि सब ठीक रहे और किसी को कुछ नुकसान ना हो। ये रही अपनी फर्स्ट रिकवरी। सो भाई साहब एक कांड हो गया छोटा सा, अब दिक्कत क्या हुई भाई, ये ना टो स्टैब ना टायर के नीचे आ गया था, देन पूरा पूरा देख लो यहाँ से ये मुझे दिखा ही नहीं, क्योंकि पीछे गाड़ी का दिख नहीं रहा था। वो एक साइड देखा, जब गाड़ी नहीं चलती थी ना तब मुझे दिखा कि भाई टो स्टैब नहीं चल रहा है, वो क्यों चल रहा था, क्योंकि वो टायर के नीचे आ गया था। तो अभी चेक कर रही हूँ, ये सारा की सारा खराब हो चुका है। तो फिलहाल अभी चलते हैं इसको लेके, और आगे से भी नाका बंद है भाई, ये देख रहे हो। अब फिलहाल यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। फिलहाल बैक कैमरा ऑन करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि चलो 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 चलो, अब तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि ये टूटने का खतरा भी है, पहले टूटने का खतरा नहीं था, अब टूटने का कुल खतरा पता है भाई साहब। सो गाड़ी तो पीछे अपनी फिलहाल आ ही रही है, मैंने ट्रक वालों को बात की, मैंने कहा भाई गाड़ी खराब हो चुकी है, गाड़ी खराब हो चुकी है, यहाँ से जाने दो। सो उन्होंने जाने दिया उस साइड से, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रैफिक वाले बड़े कॉपरेट करते हैं, हम लोग भी कुछ गलत करते हैं तब तो यार सिग्नल करते हैं, अच्छी बात भी है करनी चाहिए, बट ये कि जिसको कभी नीड होती है ना उसको हेल्प भी करते हैं। थोड़ा आगे जाना है, होप सो कि भाई इस जगह से हम आराम से निकल पाए। तो अपने टो स्टैप का तो पूरा कांड हो चुका है ना, मतलब टो स्टैप तो पूरा मतलब कि वो रगड़ के ना पूरा घिस चुका है। सो फिलहाल निकलते हैं जाके इसको गाड़ी को ड्रॉप करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी ठीक होगी, देन उसके बाद फिलहाल उसके बाद ही पता चलेगा। मुझे पीछे प्रॉब्लम पता चल रहा है, पीछे हो क्या रहा है, तो यहाँ से ट्रैफिक लेन करते हैं फिर आपको। सो अगेन फिर से गाड़ी के नीचे आ चुका है, जाने दो थोड़ा हो, थोड़ा जाने दो बस, ठीक है अब थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा बस 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 बस, चलो लेफ्ट साइड से नीचे, चलो चलो चलो। सो अगेन टायर के नीचे आ गया था, बट ये कि शुक्र हमने देख लिया। सो अभी फिलहाल फिर बच गया, वरना फिर टो स्टैब ना पूरा उठ जाना था इस बार पता है। सो ये चेक कर रहे हो, वो चेक करो भाई। सो किसी तरह करके ना हमने यहाँ तक पहुँचा दी है, बट अब मुझे ना अब यहाँ तो टो स्टैब का ये देख लो, फिलहाल एक कांड और होने वाला था जब गाड़ी इस जगह फिर से फंसी थी पता तुम्हें, निकल गया आराम से। तो अभी टो स्टैब वाला खोलते हैं अपना, तो देन उसके बाद। तो काफ़ी देर से मैंने एक चीज़ मंगवाई थी, तो जो पेंडिंग थी तो मैंने मंगवा के रख ली थी। सो फिलहाल आज हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। सो आपको वॉश दिख रहा होगा कि ये क्या है। सो ये है भाई गाड़ी के वॉश के लिए यूज होता है, आप कोई भी चीज़ वॉश करनी हो ना तो उसे आराम से वॉश कर सकते हो। तो अब मुझे इस चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि इसको फिट कैसे करना, मैंने ओपन तो किया था। सो ये रहा इसका गारंटी कार्ड। सो देन फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या क्या है। तो एक ये पाइप है इसके अंदर,
देन ये तो आ गई अपनी गन जिससे हम वॉश करेंगे, तो फिलहाल उसके बाद दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। एक तो ये किट आ गई, देन फिलहाल ये यूज़ होगी अपनी जो वॉश करना होगा ना तो उसके लिए। तो एक ये लंबी सी पाइप है, अब ये मेरे ख्याल से ये लगेगी इसके साथ। लेट्स सी, मैं आपको सब चीज़ चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर आया क्या क्या है। सो चेक करो भाई, चेक करो गाइस, चेक करो, ये चेक करो, ये काफ़ी हैवी है यार। सो फिलहाल मुझे ना अब YouTube से देख देख के इसको ना बंद करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इसके अंदर ना काफी नाजुक चीजें थी जो मुझे नहीं मिल रही है। ये आ गया अपना भाई, इसके अंदर ना शैम्पू वगैरह पड़ता है तो वो चीज। एक तो ये गन मशीन है, देन उसके बाद ना और भी काफी सारी चीजें थी जो मुझे अभी नहीं मिल रही है भाई। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये कहाँ पे लगी कहाँ नहीं लगी वो कुछ पता नहीं है। देन इसको लगाते हैं, तो उसको फोल्ड करके लगा के फिर उसके बाद पता चलेगा प्रॉपर कि कहाँ कहाँ कौन सी एडजस्ट होगी। चलो अपने यूट्यूब खोलते हैं, इसे खोल के सब कुछ चेक करेंगे उसके बाद फिट करेंगे भाई। किसी तरह करके मैंने इसको जोड़ तो लिया है कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा वो अब हालात ही बता सकते हैं। ऑन करते हैं यहाँ से, तो इसका तो एक वायर तो जुड़ गई थी, उसे पानी आपको ना नलके के साथ यहाँ किसी कितना पानी रखना पड़ेगा उसके बाद ये वर्क करेगा। करके ना फिलहाल एक ट्राई के लिए मैंने जोड़ तो लिया है, अब लेट्स सी बिस्मिल्लाह, देखते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। वाओ पानी नहीं आया भाई, पानी नहीं आया भैया, आया 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 आया। सो लेट्स सी कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क निकल रहा। आई थिंक सो लाइट बंद हो गई भाई, तो किस्मत निकली खराब। जैसे स्टार्ट हुआ एटलीस्ट स्टार्ट तो हो गया, भी थोड़ा सा पानी लगाया ही था कि लाइट बंद हो गई। सो कोई दिक्कत नहीं, ये फिलहाल भाई कॉल पे कॉल अरे कॉल पे करते हैं। तो फिलहाल अभी तो ये मस्त खेल रही है। सो जब इसको अगर पेन वगैरह होती है ना, तो जब इसको खारिश वगैरह होती है ना, तो उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा आउट होती है। सो फिलहाल यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रश है, ये चेक कर रहे हो लंबी भीड़ है, बट ये कि चलो दिखाना है तो चलो दिखाते हैं। देन उसके बाद ये फिलहाल इसको चाहिए था बैलून, तो बैलून में तो ले लिया इसके लिए। अभी ये कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है, तो कुछ करके ना ये रही अपनी थार। सो काफ़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि ऑफ रोड के बाद मैंने इसको वॉश नहीं करवाया था। सो ये देख रहे तुम, आज इसको वॉश करवाना और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। सो अभी फिलहाल हिदाया ने बैलून लिए थे वहाँ से, सो उसको पेमेंट करनी है क्योंकि हिदाया गई थी तो वहाँ से उठा के ले आई थी, उन्होंने दे दिए थे। सो अभी जाके उसको पेमेंट करते हैं। डॉक्टर ने जो बोला है ना भाई, उसने कहा कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी इन्फेक्शन ही हो सकती, बट ये है कि नॉर्मल इन्फेक्शन होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ इसको एलर्जी हो रही है। सो मैंने इनको बोला कि हमारे पास एक कैट है, सो उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा जो इन्फेक्शन हो रही ना वो कैट की वजह से हो रही है। तो अभी फिलहाल कोई मूड नहीं बन रहा है कि क्या करें, सो कुछ मूड बन रहा है कि कैट को किसी को दे देते हैं। सो यहाँ तो कुछ मूड बन रहा है कि नहीं यार कैट के लिए कुछ सेपरेट करते हैं। सो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हिदायत को ना काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, मतलब उसको इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पूछे मत कि किस हिसाब से इचिंग होती है, इतनी इचिंग होती है कि ये ब्लड तक निकाल देती है। तो अभी फिलहाल डॉक्टर पास जगा के ना अभी मुझे इतनी टेंशन पड़ी है कि यार वाइटी को क्या करेंगे, क्योंकि वाइटी को हमने जब लाया था ना सो एक फैमिली मेम्बर की तरह लाया था, उसके बाद उसके साथ खेलना इतना प्यार मतलब उसके लिए इतना कुछ करना, वैक्सीन वगैरह तो लगी है फिर भी वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर ना एक छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जिसके ना किसी बच्चे को ना मतलब कभी कई बार हो जाता है कई बार नहीं भी होता। सो बट ये है कि अनलकी हमारी हिदायत निकली, सो उसको जर्म्स है ना मतलब इन्फेक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि पूछे मत। तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम घर के लिए, फिलहाल कैटिका कुछ करते हैं, यहाँ तो सेल आउट कर देंगे तो यहाँ तो फिर उसके लिए सेपरेट एक चीज़ का रूम बना देंगे जहाँ पे वो रहेगी, जहाँ पे हिदायत नहीं जाएगी। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद आज गाड़ी भी वॉश करवानी है क्योंकि गाड़ी की ना काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है, और ऑफ रोड के चक्कर में ना तो भाई क्या बताऊँ कि गाड़ी की कहाँ कहाँ से आवाज़ें निकल रही हैं। तो चलो निकलते हैं घर के लिए और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद भाई। अब फिलहाल सारा काम कंप्लीट कर लिया, लंच वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत शॉप का जो काम था वो भी कर लिया। अब मैं सोचो यार फ्री थोड़ा सा तो गाड़ी वॉश करवा लेता हूँ, देन उसके बाद शाम को ना छुट्टी टाइम होता है ना लेबर्स वगैरह का, तब कुछ मालिक आते हैं उन्हें हिसाब वगैरह करना होता है, डी का कुछ रूटीन का करना होता, तो इस चक्कर मैंने कहा इससे पहले मैं गाड़ी वॉश करवा लेता हूँ। फिलहाल मैंने ना गाड़ी वॉश करने के लिए घर पे वो लाया वो वॉश करने वाला, बट क्या कि अंदर से ना वैक्यूम वगैरह करना है, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो वॉश करवानी पड़ेगी। सो चलो यहाँ पे तो ऑटो वगैरह लगा हुआ है क्योंकि आराम से निकल जाएगी हमारी गाड़ी, तो यहाँ पे ऑलरेडी दो गाड़ी लगी हुई है, सो मेरी गाड़ी का नंबर भी लेट आने वाला है। सो चलो अपनी गाड़ी यहीं रखते हैं। एक्चुअली मुझे ना आज ना नीचे घुस के देखना है कि गाड़ी में कुछ नीचे लगा तो नहीं है। सो फिलहाल देख रहे हो क्योंकि लास्ट ऑफ रोड में ना गाड़ी नीचे से काफ़ी ज़्यादा टच हुई थी, अब मुझे चेक करना है कि भाई गाड़ी को नुकसान तो नहीं हुआ कोई, तो वो भी चेक करना था। गाड़ी अप में जाएगी तभी चेक होगी, फिलहाल वहाँ पे घुसना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ तो फिर कहीं गाड़ी हाइट में लगा के ना सो कहीं कंपनी में चेक करवाना पड़ेगा। लेट्स सी देखो क्या होता क्या नहीं होता, फिलहाल गाड़ी वॉश करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा कि प्रॉपर होने के बाद।